अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन 90 के दशक में जिस तरह से तालिबान ने पूरी अफगानिस्तान जनता पर, जिस तरह से पूरे अफगानिस्तान पे जुल्मो जहम ढाया था, कहर ढाया था, उसे लोग अब तक नहीं भूले हैं और उसे याद करके उनके सेहरन खड़े हो जाती है। और इसी वजह से तालिबान इससे पहले कि पूरी तरह से अफगानिस्तान के सत्ता पे काबिज हो, अफगानी जनता जल्द से जल्द अपने देश को छोड़ करके बाहर निकल जाना चाहती है और इसी चीज़ को बयां कर रही है। कई तरह की तस्वीरें जो इस वक्त आप लोग लगातार देख रहे होंगे, हम आपको बता दें इस वक्त आप एक और तस्वीर और एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कि सैकड़ों लोग एक हवाई जहाज के पहिए पर, उसके पंखों पर, दरवाजों पर लटके हुए हैं और कुछ ऊंचाई पर उड़ने के बाद में उससे तीन लोग, उस प्लेन से गिर करके तीन लोग मर गए। ये इतना भयानक तस्वीर जो अभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह का इस वक्त माहौल होगा पूरे अफगानिस्तान पे, खास तौर पे काबुल पे, जहां पे अभी एयरपोर्ट पे हजारों लोग जमा हैं। लेकिन दोस्तों, आपने जिस प्लेन को आपने देखा, जहां से जिस प्लेन से गिर करके तीन लोग जो पहियों पे बैठे हुए थे, ऊंचाई से गिर करके वो मारे गए, आइए हम आपको उसी प्लेन के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। और इस हैरान कर देने वाली तस्वीर को देख करके आपका दिल भी अंदर से रो पड़ेगा। डिफेंस वन वेबसाइट की ओर से जारी इस तस्वीर में अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको बता दें इस विमान में मात्र 134 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। लेकिन जैसे ही रनवे पर यह हवाई जहाज उतरा और प्लेन का दरवाजा खुला, धड़ाधड़ लोग इसमें घुस गए और 800 लोग इसके अंदर में जाकर के बैठ गए। किसी कीमत पे भी समझाने से वो उतरने को तैयार नहीं हो रहे थे। उतारने पर जब दबाव डाला गया तो उनका कहना था कि तालिबान उन्हें नहीं छोड़ेगा, उन्हें मार देगा, तो उन्हें यहां नहीं उतारा जाए। आखिरकार प्लेन के क्रू ने एक बहुत ही हैरतअंगेज फैसला लिया और प्लेन के अंदर की तमाम सीटों को हटा दिया गया और जितने भी 800 लोग जो वहां मौजूद थे उनको प्लेन के फर्श पे बैठा दिया गया। आपको बता दें कि इस 800 में से 650 लोग अफगानी थे और बाकी दूसरे। हालांकि अमेरिकी वायुसेना की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बचाने का ये एक अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। तो गाइज, आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए, फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहें, बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।